everyone, my name is Pratyusha and welcome to our YouTube channel National Skills Network. We are really happy to share the latest edition of our weekly news bites with you. We as a team put in a lot of time and effort in studying the recent updates from the evolving work integrated education system in India and we share the relevant ones with you. Let us catch a glimpse of the highlights of this week and later I will present the details with you as usual in Hindi. And if you prefer English, then you can read the web version of our weekly news bites by visiting our website www.nationalskillsnetwork.in. We will leave the link in the description box below. Do not forget to check that out. Now, let us quickly move ahead and see what's the highlights of this week. Let me share a few interesting highlights from the reports that were released this week. One of them is from the World Economic Forum, which is talking about the Indian labor market, which is going to see a turnover of 22% in the next 5 years. And the skills that are going to be in demand are machine learning, AI and data science. And then there is another interesting report which was released by Niti Aayog in collaboration with UNDP. And this is all about the social sector and the best practices. And of course, one of the other highlights I would say is to do with the implementation of vocational education in the schools from class 6 onwards. And the government schools will start these courses from the next academic year, which is actually very soon. And besides this, the other highlights are the competition that we have launched in collaboration with SEMCA, which is online skills competition. And another exciting news is a lot of job openings from Tata Strive. We are going to put it up in this edition, so please take a look. तो ये थे इस हफ्ते के कुछ हाइलाइट्स और इस हाइलाइट्स में जो टाटा स्ट्राइव जॉब्स के बारे में मेंशन किया गया है उनके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करके पा सकते हैं। ये टाटा स्ट्राइव जॉब से रिलेटेड जो पोस्ट है उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, उसे चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस हफ्ते के अदर डिटेल अपडेट्स के बारे में। सरकारी कौशल विकास परियोजना अप्रेंटिसशिप्स और समाचार 9 मई 2023। तो चलिए अब जानते हैं इस हफ्ते के कुछ अप्रेंटिसशिप अपडेट्स के बारे में। तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इसमें अगर आप इंटरेस्टेड है या फिर एंड एलिजिबल है तो आप 12 मई 2023 से पहले अपने एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो वैसे ही न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL ने भी अप्रेंटिसशिप पोजीशंस के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किया है। इसमें आप 25 मई 2023 से पहले अपने एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे भी अप्रेंटिसशिप पोजीशंस के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स से एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहा है। इसमें आप 3 जून 2023 से पहले अपने एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ अप्रेंटिसशिप अपडेट्स। अगर इनमें से किसी भी अप्रेंटिसशिप अपडेट के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर जो अप्रेंटिसशिप के लिए डेडिकेटेड पेज है उस पर विजिट करके डिटेल में जानकारी पा सकते हैं। लिंक एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आप जानते हैं सरकार उद्योग अकेडमी से रिलेटेड कुछ कौशल विकास समाचार के बारे में। 2030 तक शिक्षा मंत्रालय का लक्ष्य है कि स्कूल में कम 50% छात्रों को विभिन्न कौशल में प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इसके लिए G20 चर्चा नियमित शिक्षा में कौशल को औपचारिक रूप देने के लिए एक रूपरेखा विकसित करने में मददगार साबित हो सकती है। NIIT के करियर कैटलिस्ट प्रोग्राम करियर कैटलिस्ट के माध्यम से कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए जावा और डाटा साइंस पर 6 सप्ताह के ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। NSDC इंटरनेशनल ने 30 भारतीय उम्मीदवारों को DP वर्ल्ड ग्रुप कंपनीज में शामिल होने के लिए नियुक्त किया है ताकि भारतीय निवासियों को दुनिया भर में रोजगार के अवसर प्रदान किया जा सके और भारत को विश्व स्तर पर कुशल कार्यबल प्रदान करने के लिए एक पसंदीदा हब के रूप में स्थापित किया जा सके। तो
तो चलिए अब जानते हैं ड्रोन उद्योग से रिलेटेड कुछ कौशल विकास समाचार के बारे में। सरकार देश भर में एक मजबूत गुणवत्ता पारिस्थितिक तंत्र को निर्माण करने के लिए देश में ड्रोन के लिए अनिवार्य मानक विकसित कर रही है। गरुड़ एरोस्पेस को 6,000 किसान किसान ड्रोन के लिए ऑर्डर्स प्राप्त हुए हैं और ड्रोन यात्रा 2.0 की जीरो पहले पहल के आधे रास्ते तक पहुंच चुका है। उत्तर पूर्व भारत में कृषि को बदलने के उद्देश्य से आईजी ड्रोन्स को ड्रोन आधारित मिट्टी और पौधों के स्वास्थ्य विश्लेषण के लिए बायरेक से अनुदान प्राप्त हुए हैं। तो ये थे इस हफ्ते के स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन एंड ड्रोन इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ हाइलाइट्स। अगर आपको इनमें से किसी भी हाइलाइट के बारे में डिटेल में जानना है या फिर इस हफ्ते के न्यूज़ बाइट्स को डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे वेबसाइट पर इसका जो वेब वर्जन अवेलेबल है उसको विजिट करके पढ़ सकते हैं। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, जैसा कि हमने आपसे पहले भी बताया है। तो सारे रेलिवेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उन्हें चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और अपने स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देते रहिएगा।